देशभर के गृह मंत्रियों के चिंतन शिविर को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह कहा कि आंतरिक सुरक्षा केवल राज्यों तक का मुद्दा नहीं है, यह केंद्र का भी मुद्दा है। उन्होंने वन नेशन यूनिफॉर्म कानून का भी सुझाव दिया है। वहीं इस पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का कहना है कि कानून व्यवस्था राज्य सरकार का विषय है, केंद्र के पास जो पैरामिलिट्री फोर्स है जहां आवश्यकता पड़ती है वो वहां भेजी जाती है, मगर केंद्र सरकार बिना अनुमति के भी पैरामिलिट्री फोर्स को राज्यों में भेज रही है। उनका यह भी कहना है कि सेंट्रल एजेंसियों के साथ साथ अब पैरामिलिट्री फोर्स का भी दुरुपयोग हो रहा है। अब कानून व्यवस्था किसी एक राज्य के दायरे में सिमटी रहने वाली व्यवस्था नहीं रह गई है। अब अपराध इंटरस्टेट और इंटरनेशनल हो रहे हैं, यानी टेक्नोलॉजी की मदद से एक राज्य में अपराधी दूसरे राज्य में भयंकर अपराध करने की ताकत रखते हैं। देश की सीमा से बाहर बैठे अपराधी भी टेक्नोलॉजी का जमकर गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। इसलिए हर राज्य की एजेंसियों का आपस में तालमेल, केंद्र और राज्य की एजेंसियों का आपस में तालमेल, ये बहुत जरूरी है। केंद्रीय पुलिस नाम की कोई चीज होती नहीं है। कानून व्यवस्था है वो राज्य सरकार का विषय है। केंद्र के पास जो पैरामिलिट्री फोर्स है और उसको डिप्लॉय हर राज्य में करते हैं जहाँ आवश्यकता होती है। लेकिन अभी आप लोगों ने देखा होगा बिना राज्य सरकार के सहमति के पैरामिलिट्री फोर्स लेकर सेंट्रल एजेंसियाँ कहीं भी जा रही है, और उन राज्यों में जहां विपक्ष सत्ता में है और सेंट्रल एजेंसी के दुरुपयोग के साथ साथ पैरामिलिट्री फोर्स का भी दुरुपयोग हो रहा है। और यदि सीआरपीसी और आईपीसी की धाराओं में यदि कोई परिवर्तन होता है तो क्या क्या परिवर्तन होता है देखने के बाद ही कोई कमेंट किया जा सकता है।